इन दो संकेतों से पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ अर्चना आदि करते हैं। भगवान के सामने दीपक जलाने से लेकर भोग तक लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हम पर प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन दो संकेतों के बारे में जो भगवान के खुश होने का और उनका आशीर्वाद हम पर होने का संकेत देते हैं। नंबर एक, कि रात को सपने में अगर आपको मंदिर, मूर्ति या भगवान की फोटो दिखाई देती हैं तो इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर दो, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें किसी फैसले को लेने के लिए मन रुकता है। इसका मतलब यह मानना चाहिए कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद मौजूद है।